हेलो एवरी वन आई एम आशी एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक इकोटोन एज इफेक्ट इकोलॉजिकल हैबिटेट एंड नीस ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक तो सबसे पहले है इकोटोन कि इकोटोन क्या होता है एंड इकोटोन इज एन एरिया दैट एक्ट एज अ बाउंड्री और अ ट्रांजिशन बिटवीन टू इकोसिस्टम इकोटोन क्या है एक ऐसा एरिया है जो कि बाउंड्री की तरह एक्ट करता है ठीक है जो कि एक बाउंड्री की तरह है किस किस के बीच दो इको के बीच ठीक है जैसे कि ये एक इकोसिस्टम है मान लीजिए ये फॉरेस्ट है और ये एक है एक्वाटिक ठीक है वाटर कोई भी रिवर या कुछ लेक वगैरह तो इनके बीच में जो इन दोनों के बीच में जो ये बाउंड्री होगी ये एरिया जो बाउंड्री वाला एरिया होगा वो क्या कहलाएगा इकोटोन ठीक है किसी ए, किसी भी दो इकोसिस्टम के बीच का ट्रांजिशन और जो उसकी बाउंड्री होगी एरिया क्या कहलाएगी इकोटोन इट इज़ नेचुरल दैट इट कंटेन अ लार्ज वेराइटी ऑफ स्पीसीज ऑफ फोना एंड फ्लोरा एज द एरिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ द बॉर्डरिंग इको सिस्टम नेचुरल है कि इसमें लार्ज वेराइटी ऑफ स्पीसीज होंगी ठीक है अलग अलग डिफरेंट टाइप की यहाँ पे स्पीसीज पाई जाएंगी किसकी फोना और फ्लोरा ठीक है क्यों क्योंकि यहाँ पे दो इकोसिस्टम मिलेंगे उनकी बाउंड्री पे अलग अलग स्पीसीज पाई जाएंगी एग्जाम्पल्स ऑफ इकोटोन इंक्लूड कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इकोटोन के मार्शलैंड जैसे कि एक एग्जाम्पल है मार्श ये कैसा एरिया है बिटवीन ड्राई एंड वेट इकोसिस्टम ठीक है एक इकोसिस्टम कैसा है सूखा मान लीजिए फॉरेस्ट और एक वेट इकोसिस्टम मान लीजिए एक्वेटिक तो उनके बीच की जो वॉडर होगी जो एरिया होगा वो कैसा होगा मार्स लैंड ठीक है सेकेंड है मैंग्रोव फॉरेस्ट ये कैसा बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड मरीन इको सिस्टम टेरेस्ट्रियल और मरीन इको सिस्टम के बीच का जो एरिया होगा वो होगा मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रास लैंड बिटवीन डेजर्ट एंड फॉरेस्ट जैसे कि ये एरिया है डेज़र्ट है इस एरिया में एकदम कुछ नहीं है सूखा एरिया है और एक एरिया हो गया और एक एरिया हो गया फॉरेस्ट का तो इनके बीच की जब ये बॉर्डर मिलेगी तो कौन सा एरिया बनेगा ग्रास और एक एग्ज़ाम्पल है एसचुरीज़ ये सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर के बीच में जो एरिया होगा जैसे कि ये एरिया सॉल्ट वाटर है ये एरिया फ्रेश वाटर का है तो इसके बीच की जो ये ये वाला एरिया होगा जहाँ पे ये दोनों इकोसिस्टम मिलेंगे वो क्या होगी एस्चुरी ठीक है सो ये इकोटोन है तो so जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये हमारा लैंड इकोसिस्टम है और ये एक्टिक इको सिस्टम और इसके जो बीच के बीच का एरिया होगा वो कौन सा है ट्रांजिशनल इको सिस्टम मतलब इकोटोन और इसी को हम मार्श लैंड भी कहेंगे जब लैंड और एकटिक इकोसिस्टम आपस में मिलेंगे और उनकी जब बॉर्डर शेयर होगी तो उसको मार्श लैंड एकोटोन हम कहेंगे यहाँ पे क्या मिलेंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ मिलेंगी फ्लोराफोना यहाँ पर ज़्यादा प्रजेंट होंगे सेकेंड है एज एफेक्ट एज इफेक्ट रिफर्स टू द चेंज इन पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर दैट अकर एट द बाउंड्री ऑफ टू हैबिटेट एज इफेक्ट क्या होगा यह है पॉपुलेशन और कम्युनिटी के जब स्ट्रक्चर में चेंज होगा दो हैबिटेट की बाउंड्री पे तो वो क्या होगा हमारा एज इफेक्ट होगा ठीक है ये एक इकोसिस्टम ये दूसरा मतलब ये एक हैबिटेट है ये दूसरा हैबिटेट है इनकी बाउंड्री पर जो पॉपुलेशन और कम्युनिटी कम्युनिटी का जो स्ट्रक्चर होगा वो चेंज होगा तो उसको एज इफेक्ट कहेंगे जनरली देयर इज़ अ ग्रेटर नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन दिस रीजन यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाई जाएंगी इस रीजन में ठीक है जिसको हम इकोटोन कहते हैं और इसको हम क्या बोलेंगे दिस इज़ कॉल्ड द एज इफेक्ट द स्पीसीज फाउंड हेयर आर कॉल्ड एज स्पीसी और यहाँ पे जो भी स्पीसीज पाई जाएंगी वो कैसी होंगी क्या कहेंगे उसको हम एज स्पीसीज नेक्स्ट है इकोलॉजिकल हैबिटेट आ हैबिटेट इज आ प्लेस और आ एरिया वेयर आ स्पीसी ग्रो लिप्स एंड थ्राइव हैबिटेट क्या है एक ऐसा एरिया है एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे स्पीसीज रहेंगी और ग्रो करेंगी जैसे कि एक ये हैबिटेट है यहाँ पे जितनी भी स्पीसीज पाई जाएंगी ये एरिया कैसा है ये हैबिटेट है यहाँ पे जितनी भी स्पीसीज पाई जाएंगी उनके लिए ये एरिया उनका हैबिटेट होगा उनका घर होगा ठीक है जहाँ पे वो रहेंगी और ग्रो करेंगी हैबिटेट इज़ द बेस्ट सुटेड कंडीशन फॉर आर स्पीसीज एंड प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर आर स्पीसीज टू ग्रो अडेप्ट रिप्रोड्यूस एंड फ्लरिश ठीक है हेबिटेट क्या है एक ऐसा एरिया है एक ऐसी जगह है जो कि स्पीसीज के लिए है जहाँ पे वो क्या क्या करेंगी ग्रो अडेप्ट रिप्रोड्यूस उस एरिया में ठीक है इट इज़ द एनर्जी और न्यूट्रिय प्रोवाइडिंग एरिया फॉर एन ऑर्गेनिज्म ये एक एरिया है अब इसमें जो भी स्पीसीज होंगी तो ये एरिया उनको क्या प्रोवाइड करेगा एनर्जी न्यूट्रिय प्रोवाइड करेगा उनके लाइफ के लिए ठीक है उन उनको ग्रो करने के लिए एग्ज़ाम्पल ऑफ हैबिटेट इंक्लूड जैसे एग्जाम्पल्स क्या हैं डेजर्ट पॉन्ड फ्रेश वाटर लेक ओशियन माउंटेन ग्रास लैंड फॉरेस्ट ये क्या हैबिटेट के एग्ज़ाम्पल हैं ठीक है डेजर्ट में कैसे फ्लोराफोना और कैसी स्पीसीज पाई जाएंगी फ़्रेश वाटर लेक्स में अलग uh, तरह की स्पीसीज पाई जाएंगी वैसे ही ग्रास लैंड फॉरेस्ट में माउंटेन में हर जगह अलग अलग स्पीसीज़ पाई फ्लोरा फ्लोराफोना पाए जाएंगे और वो एरिया उनका क्या होगा हैबिटेट होगा उनका घर होगा ठीक है यहाँ पे वो रहेंगी और ग्रो करेंगी अब एक टर्म है नीश सो so, ये क्या है जोसेफ़ ग्रिनेल कॉइन द टर्म नीश ठीक है इन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी ये क्या है ही डिस्क्राइब अ नीस एज अ डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट स्पेसिफिक टू ईच स्पीसीज अब हैबिटेट क्या था एक हैबिटेट में अलग अलग स्पीसीज़ मिल सकती हैं हमें देखने को ठीक है डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ हमें मिल जाएंगी एक हैबिटेट में बट एक नीस में दो टाइप की स्पीसीज़ हमें देखने को नहीं मिलेंगी ठीक है जैसे कि ये एक नीच है और इसमें जो स्पीसीज़ इस होगी वो सिर्फ इसी में ग्रो करेगी और इसी में रहेगी ठीक है. हैबिटेट में दो डिफरेंट मिल सकती हैं नीच में नहीं मिलेंगी he एम्फेसाइज that no two species living in the same territory can occupy the same ecological niche for long ठीक है इन्होंने क्या बताया कि दो सेम स्पीसीज सेम टेरिटरी में हमें देखने को नहीं मिलेंगी ठीक है सेम इकोलॉजिकल नीच में लंबे टाइम तक देखने को नहीं मिलेंगी बट हैबिटेट में मिलेंगी नीच में नहीं मिलेंगी नीज डिस्क्राइब हाउ स्पीसीज कंट्रीब्यूट टू द सिस्टम्स एनर्जी फ्लो एंड हाउ इट गेन एनर्जी एंड सप्लाई इट फर्दर इन एन इकोसिस्टम नीच में जो भी स्पीसीज़ होंगी वो क्या करेंगी अपना अपना काम करेंगी ठीक है और इको में एनर्जी का जो फ्लो होगा उसको मेनटेन करेंगी कैसे एनर्जी गेन होगी कैसे सप्लाई होगी इकोसिस्टम में वो किन का काम होगा इन स्पीसीज़ का काम होगा जो कि नीच में हमें देखने को मिलेंगी ये एक हैबिटेट है तो इसमें जो स्पीसीज़ इस होंगी वो अलग अलग देखने को मिलेंगी मान लीजिए ये आपका घर है और इसमें आप आपके मम्मी पापा ये सब एक ही घर में अलग अलग रोग लोग रहेंगे ठीक है तो ये हैबिटेट हो जाएगा और नीच क्या होगा जहाँ पे आप काम करोगे ठीक है ये एरिया सिर्फ आपका पर्टिकुलर एरिया होगा इसमें ये लोग नहीं रह सकते ठीक है तो जो हैबिटेट है वो घर मान लीजिए और जो नीच होगा वो आपकी काम करने की जगह जो सिर्फ आपकी ही होगी ठीक है यही डिफरेंस है हैबिटेट और नीच में हैबिटेट में डिफरेंट स्पीसीज़ हमें देखने को मिलेंगी बट नीच में दो डिफरेंट स्पीसीज देखने को हमें नहीं मिलेंगी तो आज के ये कुछ टॉपिक थे थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पीसफुली हैव अ नाइस डे